हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल श्री रिद्धि सिद्धि सिल्क मिल्स में आपका वेलकम करता हूँ। फर्स्ट अपन जो वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो बनने वाला है वो फर्स्ट बताओ, इनके पास हर एक तरह की वैरायटीज़ मिलती है। सबसे पहले बात करें प्रिंटेड की, सस्ते से प्रिंटेड मिल जाता है, वर्क के आइटम है, कॉटन के आइटम, मतलब साड़ी की जितनी वैरायटी सूरत में बनती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो सब आपको यहाँ मिलने वाली है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग से, नो तो होलसेलर के कोई भी लेके देके वाला बिजनेस इनका नहीं है, फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग है। तो आज अपन देखने वाले हैं वर्क की साड़ी। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रिंटेड साड़ी दिखाई, तो ये साड़ी का रहने वाला है वर्क की साड़ी का। तो चलिए चलते हैं सर के पास, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये सब पूरा माल लगा हुआ है, पीछे भी इनके पूरा माल वर्क का लगा हुआ है, ऊपर इनका गोडाउन, तो गोडाउन में आपको दिखा दूंगा। ये इनका सेल्स ऑफिस है, जिसका एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्या एड्रेस रहने वाला है। इस टाइप की वर्क की आइटम में बहुत मिल जाएगी, मतलब हर एक रेंज में मिल जाएगी, मतलब 120-130 रुपए से स्टार्ट हो गया आपको एंड तक, मतलब 2,500-4,000 तक की सब एक तरह की वैरायटीज मिल जाएगी। तो चलिए ऊपर चलते हैं। और ये देखिए इस टाइप के आपको सैंपल यहाँ देखने को मिलेंगे, ये सैंपल है। और पीछे गोडाउन की बात करें तो गोडाउन दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। ये देखिए गोडाउन की बात करें तो यहाँ आपको प्रिंटेड की वगैरह की सब साड़ियाँ, देखो प्रिंटेड घड़ी हो रही है, इस टाइप की साड़ियाँ आपको मिल जाएगी, अंदर वर्क की है। तो चलिए फिर वर्क का वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको इस रेंज दिखाता हूँ क्या रेंज यहाँ से स्टार्ट है और क्या क्या वैरायटी में देखते हैं। धन्यवाद। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो डायरेक्ट सर के पास अपन आ गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आज जो वैरायटी है वो काफ़ी स्पेशल रहने वाली है, बिकॉज ऑफ उसकी रेंजेस, उसकी डिज़ाइन के हिसाब से आपको काफ़ी मार्केट से बहुत हटके और थोड़ा सस्ता में। सर जी अपने पास, सर जी नमस्कार। सर नमस्कार। सर जी कैसे हैं? सर जी सबसे पहले तो आप सबसे बढ़िया है सर जी, सब बेस्ट है, सब बेस्ट है। हाँ जी। तो अपना सेकंड वीडियो जैसे शूट होने जा रहा है, तो फर्स्ट वीडियो में जैसे प्रिंटेड साड़ी अपने आपके शॉप की देखी थी, आज बारी है वर्क की साड़ी, जैसे पिछले बार बोला था कि वर्क दिखाएंगे, जो वर्क कहाँ से स्टार्ट होने वाली है? आज 190 से स्टार्ट होगा सर, जैसे 190 से लेकर 3,500-4,000 तक की हमारे पास वैरायटी। बट आपको क्या, एक से एक जो नया कॉन्सेप्ट है आज, नया जितनी भी वैरायटी, इसमें आपको एक छोटे से वीडियो के हिसाब से आपको दिखाना चाहता हूँ। तो वो चलिए वैरायटी देखना स्टार्ट करते हैं, क्या क्या वैरायटी रहने वाली है और किस किस रेंज में रहने। इनमें कलर रेंज की बात करते कितने सर जी? जो चीप रेंज का आता है 190 की रेंज का आता है, उसमें 12 पीसेस उसमें डायरेक्टली कलर्स आते हैं। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे रेंज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसकी जो कलर रेंज होती है वो कम होती जाती है। जैसे फैंसी वैरायटीज अगर लेने जाएंगे तो फैंसी वैरायटी जैसे 500-600 की वैरायटी लेने अपने जाते हैं, तो उस चीज़ में क्या ज़्यादा से ज़्यादा 8 कलर 6 कलर की मैचिंग होती है। सीधी सी बात है, अगर ज़्यादा से कस्टमर, अगर कोई भी अगर छोटा कस्टमर हो, आज बड़े कस्टमर को लेके नहीं, अपने को छोटा कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा उसको संभालना होता है। जैसे 15-20 हज़ार का जिसको ऑर्डर करवाना है, वो चीज़ क्या है, अगर 500-600 की वैरायटी अगर लेके जाता है, 12 पीसेस अगर उसको एक ही वैरायटी में अगर दे दूँ तो उसका डायरेक्टली उसका बजट एक ही वैरायटी में चला जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को वैरायटीज़ ज़्यादा बढ़ा के देते हैं। सीधी सी बात है, मतलब क्या है, कस्टमर के पास जितना वैरायटी ज़्यादा जाता है वो सेलिंग करके मेरे पास ही आने वाला है। अपने को ज़्यादा से कस्टमर को संभाल के रखना है, वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने रखना है। तो आप मिनिमम मतलब 4-6 पीस भी दे सकते हैं सर। देखो मैंने आपको पहले से बताया कि जितना उसका बजट होता है, बजट के हिसाब से हम लोग क्वांटिटी को उसको सेट करके देते हैं। हाँ जी सर, वो चीज़ सिंगल डबल वाला काम नहीं होगा, सिंगल डबल वाला नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेट टू होता है। जैसे अगर 20-25 हज़ार का उसका बजट हो, बजट हो, तो उसको ज़्यादा से हम लोग 4 पीस 6 पीस 8 पीस करके उसको सेट करके देंगे। जैसे चीप रेंज का, जैसे आपको मैंने बताया प्रिंटेड जो साड़ीज होती है, जैसे डेली यूज वाला हो जाता है, उसके अंदर क्या चीप रेंज का होता है, जैसे 190-120 इस टाइप की रेंज होती है, उसमें क्या 8-8 कलर भी रखेंगे तो सबसे बेस्ट होता है। बट ये क्या है, ये फैंसी वेराइटीज होती है, इसका रेंज अगर देखोगे 350-400 रेंज के यहाँ से स्टार्ट होता है फैंसी वैरायटी अगर देखे। हाँ। तो उसमें अंदर क्या, कस्टमर को क्या 8 पीस कर दूं तो एक ही वैरायटी में उसका फुल बजट हो जाता है, तो उसको क्या 4-4 पीस करके हम लोग सेट करके सेट करते। वो ये ज्यादा वैरायटी आप देने की कोशिश करते हो, कम से कम 12 कलर तो उसमें कम से कम कंपलसरी बनते रहते हैं। बट उसमें क्या, हम लोग 4 सेट उसको करना कि ज्यादा से ज्यादा वो वैरायटी लेके जाए, सेल कर पाए वहाँ पे। हाँ वो सिंपल सी बात है सर, आप तो जैसे इतनी सारी वैरायटी रखते हो, आपके पास वर्क की कितनी वैरायटी होगी बात करें? मेरे पास सर कम से कम वैरायटी अगर देखोगे 950 वैरायटी मेरे पास ओनली फॉर 500 की रेंज के अंदर की बात कर रहा हूँ। उसके अगर ऊपर जाते हो, जैसे 600-700-800-1000-1500-1200 की रेंज अगर देखोगे, वो मिनिमम आपको 750 वैरायटी मिलेगी। 750 वैरायटी, इतनी सारी वैरायटीज ये मेंटेन कर रहे हैं अगर, तो हकीकत बात है ये कोशिश भी करते हैं कि भाई मतलब जैसे आप इतनी सारी वैरायटी रखते हो, तो आपकी मतलब कोई कस्टमर आता है तो लगभग खाली जाने के चांस एकदम कम रहते हैं, बहुत कम होता है सर। एक बार अगर कोई भी अगर नया कस्टमर हमारे साथ जुड़ना चाहता है, अगर वो यहाँ पे नहीं भी आ सकता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से अभी मैंने जो मेरी एक स्ट्रीम होती है, जैसे ऑनलाइन की हम लोग ने एक स्ट्रीम बना के रखी हुई है, तो उसमें क्या कस्टमर को उसको वो लोग अलग से हैंडलिंग करते रहते हैं। सीधी सी बात है, कस्टमर यहाँ पे अगर नहीं पहुँच पा रहा है तो उसको हम लोग क्या फोटो के द्वारा भी हम लोग भेज सकते हैं, वो अगर वीडियो कॉल कर सकता है तो वीडियो कॉल के हिसाब से भी हम लोग उसको भेज सकते हैं। मतलब हर तरीके हम लोग फैसिलिटी देते हैं।
आप कैसे भी करो, यहाँ के लो, व्हाट्सअप लो, वीडियो कॉलिंग में लो, और जिस बजट की बात कर ले एक बार सर, कितना बजट कम से कम? सर जी अगर बजट के हिसाब से, मैंने आपको पहले बोला कि 15,000 से 20,000 अगर कस्टमर बजट रखता है तो उसको सेलिंग करने में ज्यादा से ज्यादा मजा आएगा। सीधी बात है मेरी, अगर मैं अगर पर्सनल बात लू मेरी वाली, तो मैं अगर कोई भी अगर मेरे लिए अगर टी शर्ट या शर्ट लेने जाता हूँ तो 1-2 आइटम्स लेके मैं सेट नहीं करता, सीधी सी बात है। आज अगर अपने बिजनेस कर रहे हैं तो मिनिमम अपने पास, और ये रही बात, ये बिजनेस ऐसा है ये लेडीज बिजनेस, सीधी सी बात है, लेडीज का क्या है, कम से कम अगर वो 25 वेरायटी देखेगी उसमें से वो 2 वेरायटी तो उसमें क्या आप लोग कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा वेरायटी सेट करते हैं, और रिटेल के अंदर तो बहुत मुश्किल हो जाता है सेल करना, रिटेल के अंदर तो बहुत मुश्किल होता है सर, एक एक डिजाइन लोग देखते हैं, और वही आप जैसा ही 10-15 देख के भी एक सेलेक्ट करते हैं वो, अब कस्टमर का वैरायटी रहेगी नहीं, जितना कस्टमर वैरायटी लेके जाएगा उतना बेनिफिट उसको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। और रही बात, ऐसा नहीं है कि अपने को डायरेक्टली अपने कस्टमर को देख के कि भाई हाँ 20-25 का लेके जा रहा है, ओके हाँ ले लो ये ले लो वो ले, वो काम नहीं करना है। हम लोग पहले कस्टमर को पूछते हैं कि भाई अपना वैरायटी अपने जहाँ पे बेचना है अपना एरिया देखिए, एरिया के हिसाब से सेल कीजिए। देखो वो बोलते हैं ना, एरिया के अंदर जैसे स्टैंडर्ड एरिया हो तो अपने वैरायटी थोड़ा फैंसी रखें, सीधी सी बात है, अगर गांव जैसा एरिया हो तो वहाँ पे अगर फैंसी वैरायटी लेके जाए तो कस्टमर के वो डायरेक्टली उसके ऊपर उपड़ जाए, तो उसको क्या है सेल होना चाहिए। और सीधी सी बात है, 2 वैरायटी 10 वैरायटी में से 2 वैरायटी अगर नहीं भी सेल होती तो हम लोग 6 महीने गारंटी भी लेते हैं कि कस्टमर एक बार उसको चेंज भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, वो सबसे बड़ी चीज है, तो चेंज भी कर सकते, एक तरह से इंश्योरेंस हो गया कपड़े के ऊपर, इंश्योरेंस करके दे रहे हैं। देखो कांदा बाटा का तो है नहीं, खराब हो जाएगा, सीधी सी बात है, आज अगर मुझे कस्टमर को संभाल के रखना है तो मुझे उस टाइप का थोड़ा सा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, अगर इतनी बड़ी फैक्ट्री लेके बैठे हैं सर तो मामूली 2 वैरायटी अगर 3 वैरायटी मुझे चेंज करना है तो मैं इजीली आपको चेंज करके दे देता हूं। वो टाइम लिमिट होती है, मतलब कितने 6 महीने की देते हो, 6 महीने की गारंटी रहती है, तो और क्या चाहिए बताओ, 6 महीने में तो पता चल जाता है क्या है और कैसी वैरायटी बिकने वाली है आगे, वही चीज़ मतलब आपके हिसाब से अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है 15-20 इन्वेस्ट करेगा, 20,000 उसको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, उससे कम है मतलब 5-7 हज़ार का कोई करता है, उसमें वैरायटी नहीं आएगी ना सर, वैरायटी नहीं आएगा तो नहीं बिकेगा, नहीं उनका बिकेगा नहीं, वही चीज़ बिकेगा नहीं तो वही कॉन्फिडेंस लो होगा फिर वो बिजनेस बंद करने की सोचे, बट बिजनेस ऐसा चीज़ है सर अपने को मारता तो नहीं बट आगे बढ़ाने की ताकत रखता है, बिजनेस वो चीज़ वो चीज़ सबसे बड़ी है, फोन कर सकते हो तो आपको रेट वगैरह उन सब की मिल जाएगी सर, डिजाइन कोई व्हाट्सअप करेगा तो आप उनको भेज दोगे सर, हाँ सर बिजनेस अगर उसको मैं क्या बोला आपको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और सीधी सी बात है अगर परचेजिंग करना है कस्टमर को तो हम लोग वीडियो कॉल करके भी उसको सभी वैरायटी दिखा सकते हैं, सभी दिखा सकते हैं, वही चीज सबसे बड़ी है, हर चीज हो जाएगी मतलब हर तरीके से कस्टमर मेरे पास वो बोलते हैं ना नाराज नहीं होगा, सीधी सी बात है उसको सपोर्ट फुल मिलेगा, जब तक उसकी नहीं बिकती है साड़ी तब तक की हम लोग इस फुल गारंटी के साथ हम लोग सेल करते हैं, सेल करते हैं, वो चीज बड़ी है, मतलब आप अपना माल बेचने तक नहीं उसका बिके तब तक साथ देते, हाँ तब तक साथ देते हैं, ऐसा नहीं आपका बिक गया तो कोई बात नहीं, 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 नहीं वो सब चीज करेंगे तो फिर लॉन्ग टाइम वाला बिजनेस नहीं होगा, लॉन्ग टाइम बिजनेस करना तो कस्टमर अपने पास दोबारा आना चाहिए, 100% जो चीज अपने पास एक बार कस्टमर लेके जा रहा है वो चीज अपने को बार बार वो कस्टमर ने अपनी डिमांड करनी चाहिए, वो चीज है, वो चीज सबसे बड़ी डिमांड कम नहीं, ऐसे बहुत से सर यहाँ पे बहुत से बैठे हुए जैसे आउटलाइन फैक्ट्री बोलते हैं ये बोलते हैं वो बोलते हैं कस्टमर को गुमराह करके वो डायरेक्टली रिक्शा ऑटो वाले के साथ उनका कुछ फिनिशिंग होता है, मतलब 5% 10% उनका बिजनेस होता है, कस्टमर को गुमराह करके निकल जाते हैं, बट वो सब चीज एक ही बार होती है वो बेचारों से, बहुत से कस्टमर है मेरे पास जो ऐसे जो रेगुलर बने हुए जिनके साथ वो चीज़ हो चुकी है, बट वो चीज़ अपने को नहीं करना है, सीधी सी बात, सच बोल के बिजनेस करना है, बिजनेस करना है तो साफ सुथरा करना, अच्छा करना, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए और उसका बिकना चाहिए, बिकना चाहिए मेन चीज, वही उसका बिकेगा तो आपके पास वो आएगा दौड़ते हुए, वरना कैसे आएगा आपके पास, इस चीज़ के सिर्फ मतलब बात करते करते आपको वैरायटी बराबर दिखा रहा हूँ ताकि आपका ध्यान वैरायटी में भी रहे और हमारी बातों में भी, वो चीज़ हमेशा याद रखना कि कभी भी बिजनेस करो तो अच्छे मतलब घर से ही करना, कोई भी ऐसे वैसे नहीं, बड़ी चीज देख के मत करना, देखिए 10 दुकान देखो 10 दुकान में से सैंपल मंगाओ तब जाके बिजनेस करो, मेरे तो हिसाब से यही है, मैं कस्टमर को बोलता हूँ, मैं अगर मेरे कस्टमर मेरे पास आता है अगर बोलता है कि मेरे को दुकान घूमना, मैं बोलता हूँ भाई 10 दुकान घूम ले, एक बार 10 दुकान भी अगर घूमता है तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को समझ में आता है कि अपने क्या रेंज देख रहे हो क्या रेंज ले रहे हैं, सीधी सी बात, बिजनेस में क्या होता है भैया ज्यादा से ज्यादा विश्वास करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है, मेन वही ट्रस्ट वाला बिजनेस है, ट्रस्ट करना ही पड़ेगा किसी ना किसी पर, तो उसके बाद स्टार्ट होगा आपका बिजनेस, तो वही चीज़ें काफ़ी वैरायटी अपन ने देखी है, मतलब आपको दिखाने की कोशिश की, लास्ट वैरायटी मैं आपको और दिखा देता हूँ, और भी रेंज बहुत है इनके पास, मतलब वो देखते देखते काफ़ी टाइम बीत जाएगा लेकिन इनकी वैरायटी ख़त्म नहीं होगी, ये चीज़ देखिए काफ़ी सुपर वैरायटी है, हर एक तरह की वैरायटी है सर जी, बात करें तो मतलब और भी जैसे महंगी महंगी रेंज है उनकी भी उस टाइप की मिल जाएगी अपने पास, हाँ जी सभी मिल जाएगी, 3,000 तक की बात करेंगे
तो कुछ ब्राइडल साड़ी देख लेते हैं किस टाइप। हाँ जी सर, सब हैंडवर्क स्टाइल में आता है जो फैंसी साड़ीज बोला जाता है, 1200-1300-1500। नहीं नहीं सर, इसमें 12 कलर आते हैं, बट अपने क्या है 8 कलर 6 कलर की इसमें ज्यादा से डिमांड करते हैं। ये सब फैंसी वेराइटीज में क्या है, ज्यादा कलर नहीं बनती इसमें, वो बोलते हैं ना बुटीक रेंज ही बनता है, 6-6 कलर की मैचिंग रहेगी। 6-6 कलर की मैचिंग रहेगी, 6-6 कलर ही मिलेंगे, वो ले सकते हैं आराम से एकदम चेक पैटर्न में। डिजाइन सेम रहती है, कलर बदल जाते हैं खाली ना। ये देखिए इसमें डायमंड का काम आएगा, फुल हैंडवर्क, इसको हैंडवर्क बोला जाता है। अच्छा, इसको हैंडवर्क बोलते हैं। ये देखिए लेस पर काम देखिए कितने डायमंड का किया हुआ है, कट पेश में आएगा, कटिंग किया हुआ पूरा साड़ी के अंदर। ये देखिए इसको बोलते हैं ब्राइडल पीस, सिंपल एंड शोबर गजब की। इसका बॉर्डर अच्छा है ना सर, बॉर्डर कट वाला पूरा कट बॉर्डर आएगा। ये दुल्हन पैटर्न बोला जाता है जो शादी सीजन में ज्यादा से ज्यादा सील होता है, ये वाला जो दुल्हन पैटर्न होता है। ये चीज देखिए, ये दुल्हन टाइप की साड़ी, ये जी रिटेल काउंटर पे 4,000-5,000 में जल्दी सेल हो जाता है ये सब चीज। ये 3,000-4,000 में बिकने वाला आइटम है आराम से। ये जरी काफी मतलब अच्छी यूज करते हैं ये लोग, ना काफी भी और भी बनाए हैं, तो ये ब्लैक ब्लैक नहीं पड़ती है कभी। नहीं नहीं कभी नहीं सर, 6 मंथ गारंटी जो ले रहे हैं हम लोग इसी कस्टमर की, वही गारंटी ले रहे हैं। ये चीज देखिए, ये फुल घाघरा साड़ी आएगी, पूरा पकड़ना भैया उधर से। ये देखिए फुल घाघरा साड़ी, फुल घाघरा साड़ी लुक अच्छा आ रहा है। ये देखिए एंड तक काम है, मतलब काम में किसी तरह की चोरी नहीं है कुल मिला के बात करें तो। और हर एक चीज मतलब वो बोलते हैं ना बेस्ट से बेस्ट बिठाई गई है, तो डायमंड का वर्क ले लो, तो डायमंड भी आपको काफ़ी सारे दिख रहे हैं, बहुत डायमंड यूज़ किए गए हैं। उसके बाद ये साड़ी बनी है, हाफ अलग पैटर्न है पीछे, हाफ एकदम बोलते ना वो लहंगा टाइप का पैटर्न दिया गया है, उसी तरह से बनाए गए। तो वेरायटी और भी, जैसे सर बोल रहे हैं कि और भी वेरायटी बहुत है, 750-800-900 वेरायटी है, तो इतना एक वीडियो में दिखाना कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा अपने लिए। इसलिए स्क्रीन पर नंबर है, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस, जल्दी से जल्दी मिलने की कोशिश कीजिए, आके लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, वीडियो कॉलिंग सब ऑप्शन आपको दे चुके हैं, और कम बजट में कर सकते हो, मतलब 15-20 हज़ार तो आप लगा ही सकते हो यार, इतने तो आप मतलब कर ही सकते हो, उससे छोटे मोटे क्या बिजनेस करोगे। स्टार्ट करना है तो 20-25 हज़ार 100% उतना करना ही पड़ेगा। तो चलिए सर जी चलते हैं। हाँ जी सर, नेक्स्ट जब भी इनके पास अच्छी वेरायटी आती है मैं कॉन्टैक्ट करके वापस इनके पास आके और भी आपको अच्छी अच्छी वेरायटीज़ दिखाता हूँ। तो आज के लिए इतने रखते हैं, गुड बाय।